गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अब मैं कुछ फेस पैक शेयर करने वाली हूँ। काफी दिन से लोग कह रहे थे आप कुछ भी फेस पैक शेयर नहीं कर रही हैं, तो आज मैं फेस पैक शेयर कर रही हूँ। तो मैं कुछ फेस पैक अभी कंटिन्यू शेयर करूंगी, उसमें से जो आपको पसंद है, जिसको लगा के आपको लगे कि आपकी स्किन क्रिस्टल क्लियर लग रही है, स्किन में अलग से निखार लग रहा है, आप उसको लगाएं रेगुलर बेसिस पे। ये जो मैं फेस पैक शेयर करूंगी, आपको ऊपर से आपकी स्किन को के लिए बहुत इफेक्टिव रहेंगे, और स्पेशली जिन लोगों को किसी क्रीम की वजह से या सन की वजह से या जिस वजह से पिगमेंटेशन है, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। तो बहुत ही सिंपल मैं आपको बताने वाली हूँ होम रेमेडी। तो डाइट आपको ऐसी रखनी है जैसे हम चल रही है, उसको फॉलो करते रहना है, उसमें ब्रेक नहीं करना है, और साथ साथ हम ऊपर से भी कुछ नेचुरल चीज़ों के थ्रू इसको यूज़ करेंगे, जिससे आपको जो किसी केमिकल को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको चाहिए फेस वॉश चाहिए, क्योंकि ये आपको नेचुरली क्लीनर आपकी स्किन को क्लीन करती चली जाएंगी। ठीक है, तो आज बताने वाली एक बहुत सिंपल सी रेसिपी है जिसको मैं बताने वाली हूँ। तो गाइस, पहले आपको मसूर की दाल, जो मसूर की दाल होती है उसको या तो आपकी मर्जी, आप उसको पूरी नाइट डिप कर सकते हैं, या फिर आप उसको, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने ये बना के रखा हुआ है, तो मैं देखो पूरा रखा हुआ है मेरे पास ये। तो इसमें मसूर की दाल को मैंने ऐसे लिया है, इसमें 7 से 8 बादाम है, उनको मिला के मिक्सर में मैंने सिर्फ पाउडर फॉर्म में बना लिया है। और आप चाहे तो एक बार का पैक बना सकते हैं, उसको आप रात को भिगा दीजिए और सुबह उसको मिक्सी में पीस के पेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब हम उसमें सेकेंड चीज़ क्या ऐड करने वाले, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, हम इसको मैं एक बाउल में ले लेती हूँ। तो अपनी फेस के अकॉर्डिंग जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप उतना उसको बाउल में डाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे मैं बताती हूँ आपको। तो गाइस, ये जो मसूर की दाल होती है आपके स्किन की जो है टैनिंग को, आपके स्किन की ब्लैकपन को, डार्क स्पॉट्स को, वाइटनिंग, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और ये आपके चेहरे के लिए बहुत भरपूर है। तो पिगमेंटेशन जिनको बहुत ही, जिनकी स्किन जो है कोई क्रीम की वजह से पूरा मतलब खराब हो गई है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो डाइट तो आपको अंदर से क्लींजर दे रही है, साथ में ऊपर से कुछ फेस पैक आपकी स्किन को जो है पावर देंगे, आपकी स्किन की जो ब्लैक पेन है उसको हटाएंगे, जो ब्लैक पन है, और उसको क्लीन करने का काम करेंगे। तो दोनों जब मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने डाल लिया इसमें, अब नेक्स्ट मैं डालने वाली हूँ इसमें। तो मैंने जो नेक्स्ट मिलाया वो है कर्ड, तो मेरे पास ये पाउच में कर्ड रखी थी, तो इसमें कर्ड को हम मिला लेंगे अच्छे से। तो ये पेस्ट हमारा बन के तैयार हो गया है, अपने फेस के अकॉर्डिंग बना ले। बहुत ठंडा लग रहा है क्योंकि मैंने फेस से निकाला, इसके पूरे फेस पर अच्छी सी लेयर को अप्लाई कर देंगे। तो गाइज, इसको मैंने अप्लाई कर दिया, तो आप भी इससे पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर दी, मोटी सी लेयर बना लें, चाहे तो आप अपने नेक पर भी लगा सकते हैं, पर मैंने फेस पर लगाया है। और इसको आँख के आसपास लगा सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है, नेचुरल चीज़ें जो आपको इफेक्ट नहीं डालेगा। और मुंह बंद रखना है, मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ, बोलना अलाउड नहीं होता फेस पैक लगाने के बाद। तो चलिए, मिलेंगे 15 मिनट्स के बाद, बाय बाय। तो गाइज, ये ऐसा हो चुका है, मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, और ये हल्का हल्का सा टाइटनेस मुझे लग रही है, बहुत ज़्यादा नहीं सूखा है अभी तक, पर मैं 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखूँगी। अब मिलते हैं इसको वॉश करने के बाद। तो गाइस, जब थोड़ा सा हो जाए 15 मिनट, फिर अपर डायरेक्शन में मैंने थोड़ा सा मसाज दी, और देखो मैं वॉश करके आ गई हूँ फेस। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे, आपको चेहरा एकदम से अच्छा लगेगा आपको। तो आप ज़रूर ट्राई करें रेगुलर बेसिस पे, इसको हफ्ते में 2 बार लगाएं, और फिर आप रिजल्ट देखें डे बाय डे आपको कैसे इंप्रूवमेंट मिलता है। डाइट को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।